हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको ये क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन लास्ट क्लास में मैंने किया था, इसमें आपको दो चीज़ कैलकुलेट करने बोला गया है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। एडियाबेटिक प्रोसेस में अलग अलग रिलेशंस को यूज करके हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने का कोशिश किए हैं। तो देखिए, प्रेशर निकालने के लिए हम लोग पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका यूज किए थे। एंड ये प्रश्न अभी लास्ट क्लास में मैंने अधूरा छोड़ा था और आपको इसमें निकालने के लिए बोला जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, तो याद कीजिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला होता है टी भी का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। ये एडियाबेटिक चेंज में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ से T1 by T2 इज इक्वल टू V2 गामा माइनस वन बाई V1 गामा माइनस वन। तो T1 by T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 गामा माइनस वन। देन यहाँ से यदि हम लोग इसको चेंज कर दें तो नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करने पर T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 गामा माइनस वन। यहाँ पे जो V1 by V2 है वो कंप्रेशन रेशियो को बताता है। व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन रेशियो, इट मीन्स टू से दैट कि जब भी कभी कोई गैसियस सिस्टम रहता है तो इनिशियल स्टेज में जो उसका वॉल्यूम होता है एंड आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद जब उसका वॉल्यूम चेंज कर जाता है तो वॉल्यूम के चेंज होने से, वॉल्यूम के बदल जाने से, वॉल्यूम के बदलने से फाइनल वॉल्यूम क्या है और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो इनिशियल बाय फाइनल का जो रेशियो होता है वो होता है कंप्रेशन रेशियो। और एक्चुअली इस प्रश्न में हम लोगों को कंप्रेशन रेशियो V1 by V2 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। वी जस्ट हैव टू यूज दिस। एंड T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर जो कि हम लोग को गिवन है और जो T2 है वो फाइनल टेम्परेचर है जो हम लोग को कैलकुलेट करना है।
तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टी टू इज इक्वल टू टी वन बी वन बाय बी टू गामा माइनस वन. टी टू इज इक्वल टू टी वन बी वन बाय बी टू गामा माइनस वन. तो टी टू बराबर टी वन ये दिया हुआ है 300 एंड वी वन बाई वी टू दिया हुआ है 15. ये रहा आपका कंप्रेशन रेशियो. गामा का वैल्यू है 1.4 माइनस वन. तो टी टू बराबर 300 इंटू 15 टू द पावर 0.4. अब यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो देन टी टू इज इक्वल टू 886 केल्विन. टी टू इज इक्वल टू 886 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर 886 केल्विन आएगा. ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ. अब उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर. ये इंटरेस्टिंग सवाल है. टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन है इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर अ डिफिनिट मास ऑफ गैस अ डिफिनिट मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड फर्स्ट में है स्लोली एंड सेकंड में है फर्स्ट में है स्लोली एंड सेकंड में है सडनली अचानक से. देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस. What will be the final temperature and pressure of gas in each case if the final volume in each case if the final volume is 1/4
ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। देखिए दिया हुआ है कि 50 डिग्री सेल्सियस है तापमान, इसको यदि आप केल्विन में बदलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, बदल भी सकते हैं नहीं भी बदल सकते हैं, बट बदलना ज़्यादा कारगर साबित होगा, कि आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आइए स्टार्ट करते हैं इससे। गिवन T1 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर 50 प्लस 2 73 केल्विन, तो T1 बराबर 313 केल्विन। ये क्या आया 323 केल्विन, ये आया इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर। और एक बात इसमें बोला जा रहा है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, तो ये जो 75 सेंटीमीटर है ये प्रेशर है, तो P1 बराबर 75 सेंटीमीटर ऑफ HG, 75 सेंटीमीटर ऑफ HG। इसके बाद आगे है व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस इन ईच केस, एक है स्लोली एक है सडनली, इफ द फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V1 है और V1 बराबर V मान लेते हैं सपोज, और जो फाइनल वॉल्यूम है उसको V2 है, और V2 बराबर आपको दिया हुआ है 1/4 ऑफ इनिशियल, तो आप इसको 1/4 V1 या 1/4 V मान सकते हैं। जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का 1/4 है, तो 1/4 V1 या 1/4 V। वी हैव टू फाइंड देखो क्या क्या निकालना है, तो हम लोग इसमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फाइनल टेम्परेचर को मान लो T2 इज इक्वल टू वाट, और दूसरा में निकालना है फाइनल प्रेशर, तो देन P2 इज इक्वल टू वाट। तो देखो इसमें आपको कंडीशन समझिए, एक प्रोसेस स्लोली हैपन हो रहा है और एक प्रोसेस सडनली। तो जब किसी गैस को आप स्लोली कंप्रेस कीजिएगा, यदि किसी गैस को आप स्लोली कंप्रेस करते हैं तो वो उस समय आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेगा, या उसमें जो चेंजेज होंगे दैट विल बी इन अकॉर्डेंस टू आइसोथर्मल प्रोसेस। और यदि आप किसी गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं तो उस परिस्थिति में उस कंडीशन में वो प्रोसेस आपको कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें हम लोग वेरी फर्स्ट ये लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ स्लो कंप्रेशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ स्लो कंप्रेशन इज एडियाबेटिक।
when the gas is compressed slowly, when the gas is compressed slowly, then the process is called, the process is under, then the process is isothermal likhiye only, then the process is isothermal. Aur isothermal process mein PV is equal to aata hai constant. In isothermal process PV is equal to constant. Then इसमें आप जब अलग अलग सिस्टम के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो देन यू कैन राइट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. अब जो पी वन है वो दिया हुआ है यहाँ से 75 और वी वन के बदले मान लीजिए हम लोग भी 75 इंटू भी इज इक्वल टू पी टू, यही निकालना है पी टू. एंड देन इसके बाद यहाँ से वी टू का वैल्यू है वी बाई फोर, दिस विल बी वी बाई फोर, ये यहाँ चला जाएगा 300 वी इज इक्वल टू पी टू वी, कैंसिल हो जाएगा तो पी टू बराबर 300 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 300 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. और प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए जो टेम्परेचर होगा वो इस कंडीशन में 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा. अब सडनली यदि कंप्रेस करें, सडनली यदि हम लोग कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली, व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली देन द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस. और इसमें हम लोग लिखेंगे पी भी गामा, पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. एडियाबेटिक प्रोसेस में पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी वन भी वन गामा इज इक्वल टू पी टू भी टू गामा. पी वन भी वन गामा इज इक्वल टू पी टू भी टू गामा. देन यहाँ से जब पी टू निकालने का बारी आएगा तो देन यू कैन राइट दैट पी वन भी वन बाय भी टू गामा
इज इक्वल टू पी टू। ये कैसे आया? ये इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वी वन एंड वी टू, तो पी वन वी वन की जगह है वी, और जो वी टू है उसके जगह है वी बाय फोर। वी वन की जगह है वी और वी टू की जगह है वी बाय फोर। गामा इज इक्वल टू पी टू। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो पी वन फोर टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गामा का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 1.5। गामा का वैल्यू मेंशन किया हुआ है 1.5, और फर्स्ट का जो प्रेशर है वो 75 दिया हुआ है आपको। तो पी टू बराबर जो पी वन है 75 फोर टू द पावर 1.5। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 2 बराबर 75 × 4 × 4 का पावर 1/2। कैसे ना, 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, और 3/2 को हम लोग 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ये तब हो सकता है जब बेस सेम रहेगा और दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा, जैसे यहाँ 4 का पावर 1 है। तो पी टू बराबर 300 × जैसे 4 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है √4 को बताएगा ये। तो यहाँ से पी टू बराबर 300 × 2, तो पी टू बराबर 600 cm ऑफ एच जी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सडन चेंज में 600 cm तक वो जो वैल्यू है प्रेशर का वो हो जाएगा। एंड इसी में आपको एक और चीज़ देखना है अबाउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए एडियाबेटिक में क्या हो जाता है, T1 V1 γ-1 = T2 V2 γ-1। तो फर्स्ट में जो टेम्परेचर है वो है 323, तो इसमें हम लोग लिख देंगे हम लोग को चाहिए T2। तो T1 V1 / V2 γ-1 = T2 ऐसे लिख सकते हैं T1, और ये इधर आ जाएगा, तो V1 / V2 γ-1 = इतना। T1 का वैल्यू है 323, V1 V और V2 V/4, गामा का वैल्यू है 1.5 − 1 T2। तो 323 4 का पावर 0.5 = T2। तो 323 × 4 का पावर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 = T2। 1/2 मतलब हो जाएगा रूट। तो T2 = 323 × √4, तो ये हो जाएगा 323 × 2, ये हो जाएगा 646 केल्विन। इसको बदलना है सेंटीग्रेड में, तो 373 डिग्री सेल्सियस।
इतना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देन अभी का क्लास आपको यहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे आपको कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।